नमस्कार संध्या 8:00 बुलेटिन अर्ग सुपरफास्ट सहित मु स्वप्ना आरंभ करबा खबर अभियान भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छकरे युवकंकु गोडाई गोडाई हानिले दुर्बृत्त एक बस्तीर पांच जन युवकंकु आक्रमण करा जायतिबा सूचना मिलिछि। पूर्व शत्रुताकु केन्द्र करि आक्रमण होइतिबा परिवार लोके कहिछन्ति। आहत युवकंक मध्यरु जणक ना शेख राजा तांक सह आहुरी चारि जन अछन्ति बोली प्राथमिक सूचनारु जणापडिछि। हायदर एनकाउंटर घटना राज्य सरकार को जवाब मागिला मानवाधिकार कमिशन। 4 सप्ताह मध्ये जवाब दाखल करने को निर्देश दिया जाएगी। नोटिस रे गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और डीजीपी को पक्षभुक्त करा जाएगी। गत 24 तारीख दिन एनकाउंटर रे हायदर रो मृत्यु होई। 14 बारीपता स्थानांतर बेले हायदर को एनकाउंटर करा जायतिला। आसिला पारलाखेमुंडी एसीएफ सौम्य रंजन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नियारे 95% पोड़ी हेबारु मृत्यु होइथिबा रिपोर्ट रे दर्शा जायछि। पोस्टमार्टम रे 6 घंटा पूर्वरु होइथिला मृत्यु। पाकस्थली संपूर्ण खाली थिला। रिपोर्ट पाइबारे प्रतिक्रिया रखिछन्ती सौम्यंक परिवार लोके। कहिछन्ती ए पर्यंत आमकु न्याय मिलिनी। पुलिस तदंत रे आमे संतुष्ट नुहे। विद्या भारती को काहेकि गिरफ करा जाय नाही सेपटे मामलारे जोड़ी हेला आउ दुई नुआ ना अक्षय ओ ज्योति ना जोड़ी होइछि। एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटन अधिक तदंत बलांगीर जाई फेरी पारलाखेमुंडी पुलिस एक स्वतंत्र टीम। बलांगीर विद्या भारती करी बैचलर पार्टी अधिक तदंत करने विद्या भारती ट्रेनिंग सेंटर जॉइन होगा पर कौन सबू करते क्यों सांगोजोग से सबू तथ्य पुलिस संग्रह कर विद्या भारती दुईज सांगों जोजोग कर पुलिस तदंत जारी रखी सूचना मिली। महामारी कोरोना पाई पूर्व वर्ष भली चलित वर्ष मध्य बंद होई। बोलबम यात्रा श्रावण मासर अनेक मानसिक धारी पानी धरी विभिन्न शैवपीठ को चली चली यात्रा करी थांती। किंतु कोरोना जोगु चलित वर्ष शैवपीठ भक्त शून्य रही। समस्त श्रद्धालु कोविड नियम को प्राधान्य देउथबा देखबा को मिलछि। सेबडे राज्यर विभिन्न शैवपीठ रे साधारण भक्तों दर्शन उपरे मध्य कटकणा लगाइछंती प्रशासन। दीर्घ दिन व्यवधान पर आज खोली स्कूल कोविड कटकणा भितर दशम एवं द्वादश श्रेणीर पिलामाने पाठ पढ़े। एथिपाई गणशिक्षा विभाग पक्षरु स्वतंत्र एसओपी जारी करा। श्रृंखलित तो कोविड कटकणा नियम मानि पिलामाने पाठ पढ़ापी समस्त व्यवस्था होई। सेपटे स्कूल आसिबापी अभिभावक अनुमति बाध्यतामूलक नहीं गणशिक्षा मंत्री सूचना देखते। तृतीय लहर आसिबार एपर्यंत कौनसी लक्षण नहीं। केबे आसिब कौन तार प्रभाव रहिबो सेने विशेष सूचना नहीं। वर्तमान राज्य में संक्रमण जेउ ट्रेन रही 1600-2000 एही ट्रेन अन्य देश में भी देखा जाइछि। किछु जिल्ला रे अधिक संक्रमण रहुतले भी पूर्व अपेक्षा बहुत कम रही। विभिन्न दिगरु अवलोचन करबा परे अनलॉक संपर्क में निष्पत्ति नियाजिबो। संक्रमण हार रोगी संख्या एवं लोकमानक कोविड गाइडलाइन अनुपालन को देखि निष्पत्ति नेबु बोली कहिछन्ती डीएमईटी सीबीके महांती। राज्य में संक्रमण कमी तथापि आगामी 2-3 मास सतर्क रहिबाकु पड़िबो। कोविड नियम मास्क पिंधिबा सामाजिक दूरता एवं गहली को रोकिबाकु पड़िबो। राज्यर सामग्रिक स्थिति को देखि संपूर्ण अनलॉक विषय चिंता कराजिबो। कोविड डेथ ऑडिट किछि बाकी अछि। समस्त डेथ रिपोर्ट ऑडिट कराजिबा परे मृतकंक संख्या दर्शाजिबो। एहा सह संक्रमण किछु जिल्ला रे अधिक रहितले भी पूर्व तुलना रे कमी बोली कहिछन्ती जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र। निश्चित भाव में अनलॉक प्रक्रिया चलो परिस्थिति की देखिए परिस्थिति आम तो इम्प्रूवमेंट होमर दैनिक संक्रमण सारे ह्रास आसुच्ची। टोटल एक्टिव पेशेंट से भी ह्रास लगुच रोगी डाक्तरखाना जो रोचे से संख्यार ह्रास आसटा कथा जब ह्रास आसूँ निश्चय भाव में सरकार विचार करेंगे जेहेतु जीवन जीविकार कथा लोक मैंने जीविका केमी करेंगे कोविड नियम पालन करु पुणी से टैग लाइन ता तले आमको सतर्क रहा पड़ो। आसंता 2-3 मास आम पे बहुत इम्पोर्टाट आम आसंता 2-3 मास आम सतर्क होगा पड़ो। दिग से गुरुत्व बारंबार आम कही ये रोग मनीष मनीष देह को व्यापे यार बाहक कहीं नहांती निज भितर दूरता रक्षा करेंगे मास्क पिंधे गैदरिंग हेनी आम कही गोटे क्लोज रूम बड़ डेंजरस क्लोज रूम्रे एकाठी हवा करिवे नै एकाठी दूरता रक्षा करियो गदा गोटे जगह जमीवे नै।
ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 62 ଜୀବନ ନେଲା କିଲର ଭାଇରସ। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରେକର୍ଡ 42 ଜଣ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 10, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 4 ଜଣ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5574 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋଟ 1637 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 350, କଟକରୁ 250, ଅନୁଗୁଳରୁ 100, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 85 ଓ ଯାଜପୁରରୁ 80 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ୍ଷା ଧାଡ଼ି ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ। ମହାମାରୀ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ଶୁଝିପାରୁନଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମୀ। ସରକାର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ସାମୂହିକ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଉ 2 ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍। ଏବେ 8 ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 609.89 ଘନଫୁଟ ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 184,899 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଭଳି 1,13,208 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପରୁଆଭାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହିତ କୌଣସି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ ଗୃହ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଲ୍ଟିରେ ମିଳୁଛି ରାସନ, ଅନୁଗୁଳ ବଣିହା ବ୍ଲକ ତାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗାପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିଟାଲ ପଲାରେ ଓଜନ କରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡିଲର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ୱେବ୍ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ କରି ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କଟକ ପୁରୀଘାଟଠାରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ନାରାବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ। ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ଉଚ୍ଚମାନର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସହରରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ପୁରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ଏନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସହାୟତାରୁ 1,00,000 ଗାଁ ସାଥୀ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସଂଘ। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଭିଯୋଗ। ପର୍ଜଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ବି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପର୍ଜଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ
एक दावीपत्र प्रदान करने सह समस्या समाधान नहले राजरास्ता को कड़ा चेतावनी देछि बीजेपी। बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक कुपारी स्थित मां अंबिका मंदिर परिसर में ग्रामांचल विकास रे गणमाध्यम भूमिका संपर्कित एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होइजैछि। ओडिशा सांबादिक यूनियन और खैरा सांबादिक संघर मिलित सहयोग रे अनुष्ठित कार्यक्रम में पर्यटन ओडिशा भाषा साहित्य और संस्कृति मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही जोग देथिले। टिटलागर सहर रे कोटिए टंकारो अधिक विनियोग रे तयारी होइतिबा दुईटी प्रकल्प उद्घाटित होइछि। टिटलागर सहर रो शमशान घाट सह डीएबी कॉलेज रो नवनिर्मित छात्री निवास को उद्घाटन करिछंती पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष असित त्रिपाठी एवं महिला और शिशु विकास तथा मिशन शक्ति मंत्री टुकुनी साहू। ए उद्घाटन कार्यक्रम में अनेक सरकारी पदाधिकारी सह बलांगीर जिलापाल चंचला रणा टिटलागड़ उपजिलापाल मनोज महाजन प्रमुख उपस्थित थे। अनुगुल जिला कणिहा खोला कोयला खणि सम्मुखें जमिहरा क्षतिग्रस्त युवक मैंने ठिका संस्था निजुक्ति दाबी से धारणा देते कणिया खोला कोयला खणि रे खनन ठारु आरंभ करी उत्तेजना और परिवहन कार्य ठिका संस्थागुड़िक पक्षरु करा जायछि। पूर्वरु उक्त ठिका संस्थारे स्थानीय क्षतिग्रस्त माने कार्य करुथले किंतु नुआ ठिका संस्था आसिबा परे क्षतिग्रस्त मानंकु बाद देई बाहर अंचल लोकंकु निजुक्ति दिया जायथिबा जरडा पंचायतवासी अभिजोग करछन्ति। आगामी पौर निर्वाचन को नहीं सुंदरगढ़ सहर रे देखा दैछि राजनैतिक उष्णता। सुंदरगढ़ जिले में 2013 बंद रही पौर निर्वाचन सुंदरगढ़ राजगांगपुर बीरमित्रपुर नगर निगम होता बेले राउरकेला को महानगर निगम में परिणत करा नगर निगम एवं महानगर निगम अंचल विभिन्न सरकारी योजन अवहेला योजनार विफल रूपायन सरकार लोकों रोष बढ़ुवा देखा मिली। नड़िया बोझे भ्यान रु 2 क्विंटल रु ऊर्ध गंजे जबत सह जणे गिरफ एक नड़िया बोझे पिकअप भ्यान रे गंजे चोरा चलाण करुवा बेले पद्मपुर पुलिस द्वारा जणे गिरफ होई। गिरफ व्यक्ति जणक झारखंड राज्यर बोकार अंचल सोनू राय तांको निकटर 205 केजी 650 ग्राम गंजे जबत सह 1100 टंका मोबाइल जबत करिछि पुलिस। सांबादिकंकु थाना अधिकारी गुली करी हत्या धमक प्रतिवाद रे थाना सम्मुखें धारणा। पूरी गोपुर कार्यरत सांबादिक एक समस्या भित्तिक न्यूज को नहीं खबर प्रसारण करते जो थाना आईआईसी एक वायरल ऑडियो प्रसारण होता जहाँ को नहीं थाना आईआईसी गोपुर अन्य जड़े सांबादिक फोन कर गाली गुलज करने गुली करी हत्या करने धमक देते। वर्तमान अर्ग सुपरफास्ट समय हो एक छोट ब्रेक। ब्रेक परे पुणि थरे स्वागत। रास्ता संप्रोषण को नहीं ग्रामवासी विरोध। सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर अंतर्गत पुत्रा ठारे थिबा जिंदल सीमेंट कारखाना को संजोग करुथिबा रास्तार प्रशस्तीकरण को स्थानीय लोकमाने विरोध करथिबा बेले प्रशासन पक्षरु शांति श्रृंखला रक्षा करिबा पई पुलिस बंदोबस्त करा जायथिला। तेबे ग्रामवासी माने अभियोग करिछंती सेमानंकु आगरु सूचना दिया दन जाय प्रशासन तरफ एक काम करा जाउछि तेबे प्रशासन तरफ एहाकु खंडन करा जायछि। एक सरकारी रास्ता ग्रामवासी को उन्नति पाई निर्माण करा जाउछि बोली कहिछंती उपजिलापाल। केनाले बुड़ी युवक मृत युवक हेले केन्दुझर जिला नंदीपदा थाना अणा ग्रामर किशोर जेना। किशोर साळंदी नदी अणादे जा केनाल को गाधोवाई गाधोवा बेले केनाल रे गोड़ खसीजार से बुड़ी जाते खबर पाई हाटडीही अग्निशम बाहिनी पहुंची किशोर को उद्धार कर आनंदपुर उपखंड चिकित्सा भर्ती करते हैं। डाक्तर सेठारे मृत घोषणा कर। जयपुर सदर थाना पक्षर पुणि जबत हो 1 टन 54 केजी गंजे जार आनुमानिक मूल्य 1 कोटी टंकर ऊर्ध होती जयपुर एसडीपीओ अरूप बेहरा। कोरापुट जिला पटांगी अंचल एक पिकअप भ्यान में गंजे चलाण करुवा बेले जयपुर घाटी जयपुर सदर पुलिस चढ़ाऊ करते जड़े गिरफ होगा नगद 1,80,000 टंका गोटे मोबाइल जबत कर पुलिस। केन्द्रापड़ा जिले में कार्यरत सांबादिक महिला पुलिस कनेस्टेबल माड़ घटन आज जाजपुर जिला बरी ब्लक सांबादिक घोर निंदा कर
एक दा पदयात्रा करी बरी तहसील कार्यालय पहुंची बरी तहसीलदारों जरिया मुख्यमंत्री ओडिशा को एक दाबीपत्र प्रदान कर पुणि बिवादरे बिंझारपुर थाना एसआई भाग्यश्री बेहरा भाग्यश्री को पीछा छाड़ुनी विवाद मैडम को मनमुखी कार्यपाई बिंझारपुर पुलिस कार्यदक्षता उपरे जनसाधारण को उठुची प्रश्न निज कार्य ठीक से संपादन करूनाहांती बोली हेउची अभियोग थाना रे अभियोग करी मध्य गणमाध्यम को सहारा करी सरकार को न्याय भिक्षा करछंती लोके खंडपड़ा ब्लॉक रे राजनैतिक अस्थिरता जोगु चार वर्ष मध्य सात जन वीडियो को अन्यत्र बदली होई आज नूतन भाव अरुणिमा साहू उन्नयन अधिकारी भाव जोग देखते पूर्वतन अधिकारी प्रमोद कुमार साहू नूतन अधिकारी को दायित्व हस्तांतर कर ब्लॉक परिसर में या प्रकोष्ठ में श्रीमती साहू समस्त कर्मचारी सह विभिन्न समस्या संपर्क आलोचना कर इस्तफा दे कर्नाटक मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा गत किदिन चली कल्पना जल्पना मध्य कर्नाटक मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा सोमवार पद छाड़ राजभवन में राज्यपाल भेटी इस्तफा पत्र प्रदान कर समय पूर्व इस्तफा देवे घोषणा करतेपर मुख्यमंत्री पद छाड़ येदुरप्पा पांच मास परे ओडिशा समेत देशर विभिन्न राज्य में खोली स्कूल गुजरात मध्यप्रदेश पंजाब रे आरंभ हो पिलांको पाठपढ़ा मध्यप्रदेश एकादश और द्वादश श्रेणीर छात्र छात्री स्कूल आसिछंती 5 अगस्त नवम दशम श्रेणी पर स्कूल खोल से राजधानी दिल्ली में वर्तमान स्कूल खोल को अनुमति मिलना कर्नाटक आज कॉलेज खुली आज संसद आरंभ उभय गृह ओलंपिक पदक जीतिता मीराबाई चानू को बाचस्पति ओम बिरला और वेंकैया नायडु संसद तरफ शुभेच्छा जनाई विजय रे देश गर्वित और देश पाई से जो गौरव आनी अनेक खेलाड़ी को प्रेरणा जगैब चानू तांकर दीर्घ 21 वर्षर परिश्रम सफलता मिली उभय गृह बाचस्पति महाराष्ट्र रे कमुनी जल तांडव वर्षा बढ़ी परे बढ़ी विपद खासकर कोल्हापुर रे धसिला रास्ता मल्लाड रे घर सह सबुकि भसाई नेला पानी महाराष्ट्र रे वर्तमान 120 रु अधिक जनक जीवन जाई सारी लगातार तीन दिन वर्षा परे साधारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी जिले में 1,45,000 रु अधिक लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कर शिक्षा रे आंचलिक भाषा को गुरुत्व देश रे गवेषणा व्यवस्था को मजबूत करने को पदक्षेप लोकसभा रे सूचना देले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जातीय अनुसंधान फाउंडेशन और शिक्षा मंत्रालय नुआ प्रयास एकाडेमी और शिल्प मध्य समन्वय रक्षा करने को योजना करने सह एनईपी 2020 अधीन शिक्षा अनुसंधान और दक्षता विकास रे आंचलिक भाषार व्यवहार को प्रोत्साहन करने को केन्द्र सरकार पदक्षेप भगवान शिवंक अलौकिक रामपा मंदिर को विश्वस्तर में करागला स्थानित प्रधानमंत्री देले शुभेच्छा यूनेस्को द्वारा नियाजाई एक ऐतिहासिक निष्पत्ति तेलंगाना स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर में विश्वस्तर में करमी एथिपाई प्रधानमंत्री निकट को आसी शुभेच्छार बार्ता विशेषकर तेलंगानावासी से ही खुशी खबर पर अभिनंदन जनाई कारगिल विजय दिवस अवसर में दिल्ली जातीय युद्ध मेमोरियल शहीद को श्रद्धांजलि दि जाएगी दिल्लीर नेशनल वार मेमोरियल ठारे श्रद्धांजलि जनाले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मंत्री अजय भट्ट आर्मी चीफ जनरल एमएम नानारवणे वायुसेना मुख्य मार्शल आरके एस भदौरिया नौसेना मुख्य वाइस आडमिराल जी अशोक कुमार और सीआईएससी वाइस आडमिराल अडुल जैन शहीद जवान को श्रद्धांजलि ज्ञापन कर आज कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष जुलाई 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस रूपे पालन करछि देश 1999 मसीह पाकिस्तानी सेना काश्मीर कारगिल अंचल अनुप्रवेश करथिले पाकिस्तान सेना को भारतीय माटीरु विताड़ित करने आरंभ होइथिला ऑपरेशन विजय 60 दिन लड़ई परे
ଆଜିର ଦିନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।